ओके, सो ये है हमारे गांव का चिंटू। चिंटू को फ्री फायर खेलते हुए 2 साल हो चुके हैं, पर गेम प्ले अब गेम प्ले के इस प्रकार दुर्दशा के पीछे बस एक चीज का हाथ है और वो है HUD। खाओ मां कसम। जी बिल्कुल, हाल ही में किए गए रिसर्च के अनुसार 99% फ्री फायर प्लेयर्स में जिनमें नूबड़ेपन का लक्षण है, जी बिल्कुल, जो प्लेयर नूबड़ेपन का शिकार है उनके पीछे बस एक चीज का हाथ है और वो है उसका HUD। HUD ही डिसाइड करता है तुम्हारा गेम प्ले स्टाइल कैसा होगा। क्या 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 क्या? फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम जॉयस्टिक स्टाइल ग्लूवर लगाना चाहते हो जो कि बहुत प्रोफेशनल दिखता है और जिसे खुद रुवक एफएफ और सफेद 444 भी यूज करता है। चीज बढ़िया है, एकदम रापचिक चीज है। नोटिस करना, इस स्टाइल में वन टैप मार के ग्लूवर लगाने तक जॉयस्टिक रिलीज नहीं होता है, मतलब पूरे टाइम जॉयस्टिक को पकड़े ही रखना होता है। सही पकड़े हैं। बट अगर फ्री फायर की डिफॉल्ट HUD या फिर कोई भी नॉर्मल HUD देखा जाए जहां जॉयस्टिक के आसपास कोई भी बटन्स हो, ऐसी कंडीशन में जब भी ग्लूवर लगाना होगा जॉयस्टिक को छोड़ के बाकी बटन्स टैप करना पड़ेगा, एंड हेंस तुम लोग ये जॉयस्टिक ग्लू परफॉर्म नहीं कर पाओगे। धिक्कार है हम पर। एक और कॉमन एग्जांपल देते हैं जिससे और क्लियर हो जाएगा HUD कितना बड़ा रोल प्ले करता है। व्हाइट है वाली ये हेडशॉट टेक्निक सभी को पसंद है, हर कोई ऐसा मारना चाहता है। अब इसमें HUD का रोल बहुत सिंपल है, जैसे ही ड्रैग किए उसी टाइम पे इसको भी करनी है, मतलब एक साथ। बट अगर हम लोग फोकस करें नॉर्मल HUD में, सो फायर बटन और इसको बटन एक ही साइड में होता है। सो बताओ एक बंदा एक टाइम पे 2 बटन कैसे टैप कर सकता है। अंदर से खोखला हो चुका हूँ, खत्म हो चुका हूँ। हाँ, कर सकते हैं अगर ये 2 बटन 2 साइड में हो तो। फिर तुम लोग एक फिंगर से फायर बटन भी टैप कर सकते हो और उसी के साथ दूसरे फिंगर से इसको बटन भी टैप कर सकते हो, और साथ ही टैप कर सकते हो मेरा सब्सक्राइब बटन, क्योंकि आज के इस वीडियो में तुम्हारा भाई इन्हीं सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने जा रहा है। साथ ही तुम लोगों के लिए एक ऐसा HUD भी डिजाइन करूंगा जिसमें तुम लोग आसानी से जॉयस्टिक स्टाइल वाली ग्लूवल लगा पाओगे, व्हाइट वेब वाली सारी एम्ब्रॉयडरी उसी HUD में कर पाओगे, PC प्लेयर्स जैसे स्विचिंग प्लस रिलोड दोनों प्रकार का गेम प्ले कर पाओगे, सुपर फास्ट ग्लूवल भी लगा पाओगे, और हाँ, मूवमेंट में तो आग लगा दोगे। ओवरऑल आज की इस वीडियो में बहुत सारी चीजें एक्सप्लेन करेंगे, वीडियो बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होने जा रही है। HUD के बारे में इतना कुछ बता देंगे जितना मुझे खुद नहीं पता, तो चलो शुरू करते हैं। गजब आदमी है यार। वीडियो में आगे बढ़ूं उससे पहले एक बहुत इम्पोर्टेंट बात। क्या 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 क्या? मनुष्य अच्छा या बुरा नहीं होता, अच्छे या बुरे होते हैं मनुष्य के कर्म। सो सब्सक्राइब करके थोड़ा अच्छे कर्म करो, सब्सक्राइब कर दो यार। संडे को मस्त ना धोके आ। अब देखो HUD को तुम लोग डिजाइन कर सकते हो 2 फिंगर 3 फिंगर या फिर मैक्सिमम 4 फिंगर के अकॉर्डिंग। राइट फिंगर प्लेयर। अबे ये जहाँ दिख जाता है ना मेरे को गुस्सा हो रहा था भाई। हाँ, कुछ प्राणी आए हैं यार मार्केट में जो 9-10 उंगलियों से खेलता है। मैं तुमको बस इतना बोलूंगा, इनको देखकर तुम लोग इंस्पायर मत होना। पता है मैं इस वीडियो के लिए थोड़ा रिसर्च कर रहा था और तभी 9 फिंगर, पूरे 9 फिंगर भाई। मतलब पूरे 9 उंगलियों से खेलते हो? हाँ भाई। अच्छा एक काम करो, हैंड कैम भेजो। ओके, भेजता हूँ, देखो। आइए देखते हैं, मजा आएगा। क्यों? ये क्या था भाई, कुछ दिख ही नहीं रहा स्क्रीन में तो। वो नहीं दिखता भाई, उंगलियों से ढक जाता है सारा स्क्रीन। तो हेडशॉट कैसे मारते हो भाई? अंदाजे ही मार देते हैं। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ। अब देखो, हम लोग अपने HUD के बटन्स को जितने फिंगर में डिस्ट्रीब्यूट कर पाएंगे, जितने फिंगर में बांट सकते हैं, हम लोगों का रिफ्लेक्सेस उतना ही बढ़ जाएगा, मतलब रिएक्शन टाइम और ज्यादा फास्ट हो जाएगा, ओवरऑल गेम प्ले और ज्यादा फास्ट हो जाएगा। वेरी गुड। अब कौन सा बटन कहाँ पर रखे ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। मगर क्यों? क्योंकि इसी के ऊपर डिपेंड करता है तुम्हारा गेम प्ले स्टाइल कैसा होगा। अच्छा? ओके, सो आ जाओ डिजाइन करते हैं एक परफेक्ट HUD। तो करना, परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से। सो ये है डिफॉल्ट HUD और ये देखो बटन साइज, ये उतना है जितना मेरे एक्स के नजरों में मेरा औकात। सबसे पहले तो बटन्स की साइज को बढ़ा लेना यार, बहुत छोटा है। अब देखो परफेक्ट HUD के लिए यहाँ पर राइट साइड में जितने भी बटन्स हैं, इन सभी को हटा देना। साले तू। मेरा मतलब है ये कुछ बटन्स। जस्ट बिकॉज ऑफ फ्री स्टाइल गेम प्ले, लाइक पड़ोसी देश के प्लेयर्स वाइट है और एक्स प्रोडक्ट है। वेरी गुड।
वेट अब एचओडी को आगे डिजाइन करूं, उससे पहले बता दूं मैं बस इंपॉर्टेंट बटन्स की ही बात करूंगा, लाइक जंप बटन, क्राउच बटन, रन बटन्स, इन सब बटन्स की, ठीक है? सब ठीक ठाक है, वेरी गुड। क्योंकि बाकी के बटन्स लाइक मेडिकेट बटन, इमोट बटन, ये सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, कहीं पर भी रखोगे चल जाएगा। इज्जत नहीं है भाई, इज्जत नहीं है साला। अब देखो क्योंकि हमें भाई जॉयस्टिक स्टाइल गुली बॉल को भी माइंड में रखना है, वैसा गेम प्ले भी हमें करना है। सो गया बचपन से। सो सिंपल हम लोग जॉयस्टिक वाली स्लॉट में रन बटन और जंप बटन को रख लेते हैं, बाकी के बटन्स को ऊपर की ओर शिफ्ट कर देते हैं। और हाँ, सबसे टॉप पर हम लोग लगाएंगे स्विच बटन को, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बड़ी अच्छी बात कही है। अब देखो हमने सबसे इम्पोर्टेंट काम कर लिया, मतलब बटन्स को उनके उचित स्लॉट में प्लेस करना। चार, चार। अब ये नीचे दो स्लॉट हम लोग थंब से कंट्रोल करेंगे और ऊपर वाली हम लोग इंडेक्स फिंगर से। सही पकड़े हैं। अब देखो बटन्स का स्लॉट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो कि कहाँ रखना है मैंने तुमको बता दिया। अब बटन्स का प्लेसमेंट तुम लोग खुद से डिसाइड कर लेना। लाइक अगर ये वाली बटन तुमको यहाँ पर कंफर्टेबल नहीं हो रहा है तो तुम लोग अपने इच्छा अनुसार कहीं भी चेंज कर सकते हो, बट इसी स्लॉट में, ठीक है? मतलब ये वाली बटन दूसरा स्लॉट में नहीं जाना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। खत्म। अब अगर मैं इसको अपने अनुसार कस्टमाइज कर दूं थोड़ा सा, तो ये बन चुका है मेरा परफेक्ट कस्टम एचओडी। अब देखो भाई लोग, एचओडी का सीन ऐसा होता है, मैं तुमको हमेशा बोलूंगा तुम लोग खुद से एचओडी बनाओ। मैं ये नहीं बोल रहा तुम लोग मेरा वाला कॉपी करो या फिर तुम लोग किसी भी क्रिएटर का कॉपी करो, मैंने बस तुम लोगों को एक बेसिक आइडिया दे दिया कि कौन सा बटन कौन से स्लॉट में होना चाहिए, जिससे तुम लोगों का गेम प्ले एक प्रोफेशनल टाइप का निकल सकता है। मजा आया। अब काफी बंदे बोलेंगे ए भाई ए, क्या बोले जा रहे हैं, हमारे राइस्टर भाई का एचओडी ऐसा थोड़ी दिखता है। फिर भी राइस्टर भाई कैसा खेलता तेरे को नहीं पता क्या? गुड क्वेश्चन। सो देखो मेरे भाई, राइस्टर भाई खुद जॉयस्टिक ग्लू बॉल टेक्निक से नहीं खेल सकता। गजब बेइज्जती है। नहीं मतलब इसमें गलती राइस्टर भाई का नहीं है, राइस्टर भाई का गेम प्ले स्टाइल ही थोड़ा डिफरेंट है, उनको जॉयस्टिक ग्लू बॉल की जरूरत ही नहीं पड़ती। टीका अभी बड़ा कैजुअल है और उनके गेम प्ले स्टाइल के लिए उनका एचओडी परफेक्ट है। बट फिर वही, अगर तुम लोग राय भाई का एचओडी कॉपी कर लोगे फिर तुम लोग जॉयस्टिक स्टाइल ग्लू बॉल नहीं लगा पाओगे, जेरोक्स जैसा स्पिनर ग्लू बॉल नहीं लगा पाओगे। सो यस, मतलब हर एक एचओडी में हर एक चीज संभव नहीं है, बट यस ये जो मैंने एचओडी तुम लोगों के लिए डिजाइन किया है, इससे तुम लोग हर टाइप का गेम प्ले कर पाओगे। मैं तो तेरे को हरामी समझता था, तो राम निकला है, देव मानुष निकला। तो भाई लोग आज के लिए इतना ही, ये था थ्री फिंगर प्लेयर्स के लिए बेस्ट कस्टम एचओडी, जिससे तुम लोग रोक एफ या फिर वाइट 444 जैसा गेम प्ले कर सकते हो, मतलब उनके स्टाइल में गेम प्ले कर सकते हो। बाकी अगर तुम लोग अपने स्टाइल से खुश हो तो तुमको चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं एचओडी चेंज करने का सलाह बिल्कुल नहीं देता, क्योंकि एचओडी के एक बटन हिलने से पूरा गेम प्ले हिल जाती है। तो चलो भाई लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगर तुम लोग दूसरे स्टाइल में गेम प्ले करना चाहते हो तो वो भी बता देना, उसके लिए भी एचओडी बता दूंगा, ठीक है? और हाँ भाई लोग, अगर तुमको जॉयस्टिक ग्लू का ट्यूटोरियल चाहिए तो मैं ब्रांडेड भाई का चैनल लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां पर जाकर देख सकते हो। तो चलो अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, राधे राधे।